तो ठीक है, जा रहा है यार, इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक जा पाता है। तो चलता जा रहा है, हमारी रेलगाड़ी चलती जा रही है रेलगाड़ी चलती जा रही है ना, है ना मजे की चीज। तो मैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तो आज यार मैं तुम्हें माइनक्राफ्ट के वो हैक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी तक तुमने देखे नहीं होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा सीक्रेट हैक्स के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और हाँ यार, पहली बार हमारे चैनल में आईफोन 12 मैक्स प्रो का गिव अवे होने वाला है, मैं सच कह रहा हूँ। तो उसके लिए तुम्हें वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट होगा, तो वो सुन लेना अगर तुम्हें आईफोन 12 मैक्स प्रो चाहिए तो। तो चलो यार गेम को स्टार्ट करते हैं, टाइम को जाया नहीं करते। तो तुम लोगों ने कभी भी माइनक्राफ्ट को उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा ना? तो अभी हम ऐसी मशीन बनाने वाले हैं जिससे माइनक्राफ्ट उड़ेगा उड़ेगा, वो भी डिजाइनिंग के साथ, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो उसके लिए जो हमें सामान चाहिए ना, वो सब कुछ है ये। तो सबसे पहले ना हमें स्टील की पिस्टन लेना होगा, वो एक एक ब्लॉक छोड़ के ऊपर की तरफ करना पड़ेगा। अब जितने भी तुम्हें चाहिए उतने ले लो यार, जितने भी लगाना चाहो उतने लगा लो। तो मैं इतने लगा रहा हूँ और लगाता जा रहा हूँ। अब इसके ऊपर तुम्हें लगाने पड़ेंगे स्लाइम ब्लॉक्स, तो लगाओ यार। अब तुम्हें लगाने पड़ेंगे स्टोन, स्टोन लगाना पड़ेगा, तो मैं लगा रहा हूँ स्टोन। तुम मर्जी है जो भी स्टोन लगाओ यार, मैं तो ये वाला स्टोन लगा रहा हूँ। उसके बाद हमें रेल लगानी पड़ेगी, यानी कि पटरी लगानी पड़ेगी। तो सब में पटरी लगा दो, 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 लगा दो। उसके बाद हमें माइनक्राफ्ट लगाना पड़ेगा, तो सब में माइनक्राफ्ट वापस से लगा लो यार। ये सब होने के बाद हमें रेडस्टोन लगाना पड़ेगा बारी बारी सब की जगह पे। तो मर्जी है तुम कोई भी डिज़ाइन बना लो, मुझे ये डिज़ाइन पसंद है तो मैं ये वाला डिज़ाइन बना रहा हूँ रेडस्टोन में। तो तुम रेडस्टोन से कोई भी डिज़ाइन बना लो, बस सारे के सारे कनेक्ट होने चाहिए। रेडस्टोन लगाने के बाद हमें चाहिए रेडस्टोन रिपीटर, जिसका मुंह आगे की तरफ हो, ठीक है, फेस आगे की तरफ हो। तो लगाते जाओ यार। अब हमारा मशीन रेडी है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेड स्टोन रिपीटर और लगाना पड़ेगा। ओके ये लगा दिया, अब हमें रेड स्टोन वापस से लगाने पड़ेंगे। और मर्जी है इसको कहीं पे भी लेके जाओ, मैं इसको लेके जाता हूँ आगे। उसके बाद हम अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बटन लगाना पड़ेगा या लीवर लगाना पड़ेगा, वो तुम्हारी मर्जी, मैंने एक बटन लगा दिया। अब हमारा मशीन रेडी है, सिंपल क्या करो कि ये स्टोन को हटा दो, ये सारे स्टोनों को हटा दो, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखना ये माइनक्राफ्ट कैसे उड़ने लगते हैं। अब सिर्फ हमें बटन को दबाना है, सिर्फ बटन को दबाना है, और देखो देखो देखो, ओके उड़ने लग गए ना। देखना फिर देखना, ये हुई ना बात, वाओ। अब लगाओ बटन, अब देखो क्या होता है। ओके ये लगा दिया बटन है ना मजे की चीज़ यार। तो इसके आगे वाले हैक्स और भी ज्यादा मजे के हैं यार, तो चलो नेक्स्ट हैक की तरफ। अभी जो हम हैक बनाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिंपल आज हम बनाने वाले हैं। और अभी हम बनाने वाले हैं वाटर बेसिन, जो घर में होता है जिसमें हम हाथ वाथ धोते हैं, वो बनाने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो उसके लिए जो हमें चीजों की जरूरत है वो है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्रिप वायर हुक लगाना पड़ेगा और दूसरे ब्लॉक में। अब हमें क्या करने पड़ेंगे, ट्रैप डोर लगाने पड़ेंगे, लेकिन लेकिन इसको आगे लगा दो और इस सिंपल इसको चारों तरफ से बंद कर दो। ये कर दिया मैंने इसको बंद। अब क्या करना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा बटन, इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा एक डिस्पेंसर जिसका मुँह ऊपर की तरफ हो, ठीक है ये हो गया। उसके बाद सारा चक्कर है रेड स्टोन का, तो रेड स्टोन लगाने पड़ेंगे, लेकिन पीछे की तरफ से एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और बटन के ही सीध में यानी कि लाइन में तुम्हें रेड स्टोन लगाना पड़ेगा। ये मैंने रेड स्टोन लगा लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस रेड स्टोन के वायर को कनेक्ट करते हैं डिस्पेंसर से, तो ये डिस्पेंसर के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है कनेक्ट हो गया। अब देखो सिंपल तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा कि सिंपल डिस्पेंसर के अंदर तुम्हें डालना पड़ेगा पानी, और फिर तुम्हारा वाटर बेसिन रेडी हो गया। तो हम डालते हैं इसमें पानी, सिंपल पानी डालो, लावा डालो या कुछ भी डालो, लेकिन वाटर बेसिन है तो पानी होगा ना, तो हम मैं पानी डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है।
तुम इसके साथ और भी ज़्यादा मस्ती कर सकते हो। तो मैं सिंपल पानी डाल रहा हूँ, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा ऊपर, सही है यहाँ से सही है। अरे यार ये क्या कर रहा है तू, अब सिंपल बटन को प्रेस करो और वाटर बेसिन रेडी। तो पानी आ गया, इसको वापस भी जा सकता है और पानी वापस भी आ सकता है। तो यार जिसको हाथ धोने वो हाथ धो ले, ठीक है माइनक्राफ्ट में। तो ये है कि नहीं, ये मेरा सबसे ज़्यादा स्पेशल है कि क्योंकि हम एक लावा ब्रिज बनाने वाले हैं, यानी लावा के ऊपर ब्रिज बनेगा जो जहाँ से जाएगा और आगे तक जाएगा, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा अगर उसके बीच में कुछ आए नहीं तो। तो उसके लिए ना हमें एक प्लान ज़मीन चाहिए, तो लैंड चाहिए प्लान, ठीक है, और बहुत सारा लावा चाहिए। तो नेदर पोर्टल के अंदर लावा बहुत सारा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो प्लान ढूंढो यार, यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, तो मुझे प्लान नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद बनाया है। तो इसके ऊपर हम मशीन बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एक जगह ढूंढनी होगी बीच में, वो यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले एक आइस डालो, ब्लू आइस डालना है, ठीक है ब्लू आइस। उसके बाद हमें स्लाइम ब्लॉक डालना है, उसके बाद ऑब्जर्वर डालना है जिसका मुँह आगे की तरफ हो, यानी कि उनका जो रेड स्टोन है वो आगे की तरफ हो। तो इस तरह स्टिकी पिस्टन डालना है, उसके आगे स्लाइम ब्लॉक डालना है, उसके बाद स्टिकी पिस्टन नीचे डालना है, लेकिन मुंह मेरी तरफ हो, फेस मेरी तरफ हो, फेस मेरी तरफ हो, ठीक है। तो अब तुम्हें उसके साथ भी स्लाइम ब्लॉक डालना है। अब ये चीज़ तो रेडी हो गया है, अब तुम्हें क्या करना होगा कि नीचे वाला पोर्शन भी बनाना होगा जो कि ज़मीन के अंदर होगा। तो उसके लिए तुम्हें खोदना पड़ेगा नीचे, तो तुम भी इसी तरह किसी प्लान जगह पे करना जहाँ पे तुम नीचे भी जा सको और नीचे का भी पोर्शन बना सको। अब तुम्हें देखो क्या करना है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्लैम ब्लॉक्स की साइड है, तो उसके साथ तुम्हें करना पड़ेगा नीचे वाला पोर्शन लगाना पड़ेगा। तो ये तो अपना हो गया, ठीक है। अब देखो स्लैम ब्लॉक्स यहाँ पे दो तरह हैं, दो हैं, तो इसका एक वाली जगह जहाँ पे स्टिक पिस्टन है उसकी तब उस तरह उस जगह पे लगाना है, और इसका तीसरा ब्लॉक होगा स्टिक पिस्टन के ठीक नीचे। देखो ये नीचे आ गया, ठीक है, इसके साथ तुम लगा दो सोल सॉइल लगा दो। तो ये लग गया, अभी हमारा मशीन रेडी हो गया। अब इसको दरवाजे को खोल दो यार, लावा में अभी ये जाने के लिए रेडी है। ये इसको शिप बोलो या ब्रिज मेकर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ये लावा में ब्रिज बनाएगा, यानी कि लावा में जगह बनाएगा जहाँ से हम गुजर सकते हैं। अब देखना क्या मज़े की चीज़ होने वाली है, और ऐसा है तुमने पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो चलो लगा 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 और ये बनाने लग गया, ब्रिज बनाने लग गया। ओह गॉड, ब्रिज बनाने लग गया, ये देखो। ओह माय गॉड, ये देखो क्या है ना मज़े की चीज़ यार, चेक करो, ये आगे ब्रिज लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, और कभी ख़त्म ही नहीं होगा। देखो यार कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये आगे चलता जाएगा। अगर इसके बीच में कुछ भी नहीं आया ना, कोई भी ऐसा बीच में कुछ आया नहीं, तो ये चलता जाएगा। और अगर सीधा लावा हो, चाहे लावा का समंदर ही क्यों ना हो, तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। सोचो हम लावा के ऊपर घर वर भी बना सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ठीक है, जा रहा है यार, इसके पीछे चलते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक जा पाता है। तो चलता जा रहा है, हमारी रेलगाड़ी चलती जा रही है। रेलगाड़ी चलती जा रही है ना, है ना मज़े की चीज़। देखो यार क्या हैक लेकर आया हूँ यार, इसी बात में लाइक ज़रूर करो, इसी बात में लाइक ज़रूर करो, ठीक है, और कमेंट्स भी करो यार, लाइक भी करो, कमेंट्स भी करो, ठीक है। अभी चलते हैं हम आगे। अब जो हम बनाने वाले हैं वो हैक भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और हम बनाने वाले हैं एक झूला, झूला बनाने वाले हैं, तो उसमें बैठ के झूले भी ले लो यार, ठीक है यार। उसके लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं ये। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें पॉलिश वॉल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे फेंसेस, तो वो लगाने हमें तीन ब्लॉक, तीन तक, ठीक है। उसके ऊपर फिर से हमें लगाने पड़ेगा वॉल पॉलिश ब्लॉक, और सिक्स आगे लेके जाना, दो थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे वापस से लगाओ, और वापस से हमें फेंसेस लगानी पड़ेंगी तीन, ठीक है तीन लगानी पड़ेंगी, और फिर ऊपर से हमें पॉलिश वॉल ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें इसमें स्लैब्स लगानी पड़ेंगी, तो स्लैब्स के ऊपर वाली जगह पे लगाना, ऊपर वाली साइड लगाना, ठीक है। तो ये दोनों साइड लग गए हैं, तो इसके ऊपर हमें ट्रैप डोर लगाना पड़ेगा। देखो ये कलर वाले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लॉक्स, ज़रूरी नहीं है तुम भी यही यूज़ करो, तुम अपने मर्ज़ी से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, तो वो तुम डिपेंड करता है तुम कौन सा डिज़ाइन चूज़ करते हो। तो मैं ये वाला डिज़ाइन चूज़ कर रहा हूँ, तो ये आई होप तुम्हें पसंद आ रहा है।
तो अब नीचे वाले स्लैब से इनको हटा दो तो ये डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। तो देखो यार, एक डिज़ाइन बन गया हमारा। अब तुम्हें सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक फेंस यहाँ लगाना पड़ेगा, एक फेंस यहाँ लगाना पड़ेगा। अब लगाना पड़ेगा चैन, जो कि दो ब्लॉक होंगे, यहाँ पे नहीं, नीचे वाली जगह पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नीचे नहीं लगती तो शिफ्ट को दबा दो, ठीक है। तो शिफ्ट को दबाने से नीचे लग जाएगी, तो लग गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए आयरन बार, तो आयरन बार लगाना पड़ेगा इसके नीचे, यहाँ पे नहीं। अब देखो नहीं लग रही तो शिफ्ट दबाओ तो लग जाएगी, तो यहाँ पे भी नीचे लगा दो। अब नीचे लग गया, अब हमें इसका क्या बनाना है, हमें बनाना है चेयर बनाना है, या फिर जिसमें हम बैठा जाता है वो बनाना है, ठीक है। तो वो बनाने के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाओ, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बन गया, अब इसमें हमें चेयर टाइप का कुछ बनाना होगा, जो कि बनता है ट्रैप डोर से। तो ट्रैप डोर हमें करना पड़ेगा, लेकिन पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से। मैं यहाँ से नहीं जा पा रहा, तो मैं दूसरी तरफ से पीछे की तरफ से जाता हूँ, तो दूसरी तरफ से चलते हैं। तो पीछे की तरफ से ट्रैप डोर लगाने पड़ेंगे, जैसे मैंने ये लगाया और खोल दिया, इसको लगाया और खोल दिया, इसको लगाया और खोल दिया। इसी तरह आगे की तरफ भी करना पड़ेगा, तो आगे की तरफ यहाँ से नहीं, इस तरह करना है कि वो पीछे की तरफ हो। यह लग गया, तो यूँ लग गया, ठीक है। अब ये लग गया, अब देखो तुम इसके ऊपर तुम्हें ट्रैप डोर लगाना है, लेकिन ट्रैप डोर अभी नहीं लग रहा। तो नहीं लग रहा तो हम एक काम करते हैं कि इसमें लगाते हैं स्लैब्स, तो स्लैब्स लगा के भी एक चेयर बनती है। तो ये एक तरह से चेयर बन गई है, लेकिन 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 अभी भी मज़ा नहीं दे रहा। अगर हम इसमें ट्रैप डोर लगा दें तो और भी ज़्यादा मज़ा देगा। तो ये देखो यार, तो बन गया ना, अब देखो बन गया है। अब लग रहा है ना एक झूला, बहुत अच्छा झूला लग रहा है ना। तो आई होप यार तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो ये झूला देखो यार, और इसी बात पे ना वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ ये हैक्स तुम्हें कैसी लगी, ठीक है। तो यार चलो यार गिव अवे से रिलेटेड बात करते हैं। तो मैंने देखा है कि जितने भी गेमिंग चैनल्स हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिव अवे कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिव अवे कर ही लूँ। तो मैंने दो iPhone 12 Max Pro ऑर्डर किए हैं, वो भी एडवांस में, जो कि मिलने वाले हैं नेक्स्ट 4 या 5 मंथ में मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ एक मैं खुद रख लूँ और एक गिव अवे में दे दूँ, यानी कि तुम लोगों में से किसी को दे दूँ। तो उसके लिए ना मैंने सोचा क्यों ना YouTube में गिव अवे किया जाए, लेकिन YouTube में बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, तो थोड़ा चूज़ करने में प्रॉब्लम होगी कि किसको देना है। तो इसके लिए मैं गिव अवे करने वाला हूँ, वो है Instagram पे। तो Instagram पे मैंने एक पोस्ट किया है, वो पोस्ट है ये वाला। तो अभी जाओ मेरे Instagram पे, वहाँ पे ये पोस्ट होगा, इसके नीचे जो स्टेप्स होगी वो तुम्हें फॉलो करनी होगी। स्टेप्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, जो कि अगर तुम फॉलो कर लो ना तो हो सकता है कि अगले 4-5 मंथ में तुम iPhone 12 Max Pro जीत जाओ। तो जो भी विन करेगा उसका नाम मैं लूँगा और स्क्रीनशॉट भी लूँगा, और मैं उसके मैसेजेस, उसके ईमेल सब कुछ तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल गिव अवे है। तो तुम iPhone 12 Max Pro जीत सकते हो। तो अभी के अभी जाओ Instagram पे और स्टेप्स को फॉलो करो। तो स्टेप्स क्या है वो वहीं पे लिखा हुआ है, उनको रीड करो और फॉलो करो। चलो मैं तुम्हें स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप ये है कि मुझे Instagram पे फॉलो करना होगा। दूसरा स्टेप ये है अपने Instagram की स्टोरी पे इस पोस्ट को लगाना होगा। तीसरा स्टेप ये है कि तुम्हें इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स करना होगा, कोई भी 5 फ्रेंड्स को टैग करके। तो ये तीनों स्टेप्स करो यार, तो क्या पता तुम विन कर जाओ। तो चलो यार आज के गेम को यहीं एंड करते हैं, आई होप यार तुम्हें मज़ा आया होगा। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, बाय।